परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे असुरों का वध किया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने यूं तो कई असुरों का वध किया जिनमें पूतना, सक्तासुर, कालिया, यमलार्जुन, धेनुक, प्रलंब, अरिष्ट आदि। लेकिन हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े या उनका संचालन किया, उनमें से प्रमुख कौन से हैं। आओ जानते हैं श्री कृष्ण के प्रमुख 10 युद्धों के बारे में। श्री कृष्ण की शक्ति के स्रोत। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खरक का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदगी और संघ का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्पक और बलाहक था। श्री कृष्ण के पास कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे। भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रस्पवास्त्र भी था जो शिव, वसुगण, भीष्म के पास ही था। कंस युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण को तारका, पूतना, सक्तासुर आदि का बचपन में ही वध करना पड़ा। भगवान कृष्ण का मामा था कंस। वो अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था जिसे परम भगवान विष्णु ने मारा था। कंस के काका सुरसेन का मथुरा पर राज था और सुरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था तब भी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का आत्मा बालक तुझे मार डालेगा। बस इसी भविष्यवाणी ने कंस का दिमाग घुमा दिया। कंस ने अपनी बहन और बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म देते ही मार डाला। 7वें गर्भ में परम ब्रह्म परमेश्वर श्री शेष अनंत ने प्रवेश किया। भगवान श्री विष्णु ने श्री शेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ ब्रजवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखा। तदंतर 8वें बेटे की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पुनः पूर्ण अवतार लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंचे। बाद में कंस को जब पता चला कि उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशु को माना आरम्भ किया, बाद में उसी कृष्ण के नंद के घर होने का पता चला तो उसने अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से कृष्ण को मरवाना चाहे, पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजना अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और इसके साथ उसका वध कर दिया। कंस को मारने के बाद देवकी तथा वसुदेव को मुक्त किया और उन्होंने माता पिता के चरणों में वंदना की। कंस वध के बाद जरासंध से तो कृष्ण की कई बार युद्ध किया। जरासंध कंस का ससुर था और विप्रचित्ति दानों का पुनर्जन्म था। इसके लिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। जरासंध मगध का अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग वंग, कलिंग, पांडे, सौभीर, मध्य कश्मीर और गंधार के राज्यों को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है। जरासंध ने पूरे दल बदल के साथ सुरसेन जनपद मथुरा पर एक बार नहीं
कई बार चढ़ाई की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार अयोध्या पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालेवान को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, जो यौवन का राजा था और इंद्रजीत का पुनर्जन्म था। जरासंध के साथ कई राजा थे, कामरूप का राजा दंतवक्र, चेदीराज शिशुपाल, कलिंगपति पौंड्रक, भीष्मक पुत्र रुक्मी, कांत अंशुमान तथा अंग बंग कौशल दर्शान भद्र त्रिगर्त आदि के राजा थे। इनके अतिरिक्त साल्वराज पवन देश का राजा भागदत्त, शोबरी राज गंधार का राजा सुबर, नगनजीत का राजा मीर, दरदवेश का राजा गोभर्द आदि। महाभारत युद्ध से पहले भीम ने जरासंध के शरीर को दो हिस्सों में परम भगवान श्री कृष्ण के सहायता से की थी, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनके को दो दिशाओं में खींचा, उल्टे दिशाओं में फेंका, तो भीम ने भी वैसा किया और इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध किया। कालेवन से युद्ध। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शासक कालेवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कालेवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालेवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। कालेवन ने स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद श्री कृष्ण का नाम रणधुर पड़ा। कृष्ण और कालेवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे, तो कालेवन भी उनके पीछे भागने भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। कालेवन भी वहीं घुस गया। गुफा में कालेवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। कालेवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वो मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आँखें खोली और इधर उधर देखने लगा, तब सामने उसे कालेवन दिखाई दे। कालेवन उसके देखते से तत्काल ही भस्म हो गया। कालेवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिला वे चाकुवंशी राजा महाराज मानधाता के पुत्र राजा मुजकुंद थे, जिन्हें देवराज इंद्र द्वारा किसी को भी पहली बार देखने में भस्म होने का वरदान प्राप्त था। श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन में द्वंद्व युद्ध हुआ था। यह श्री कृष्ण के जीवन का भयंकर द्वंद्व युद्ध था। माना जाता है कि युद्ध कृष्ण की बहन सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण हो। अंत में युद्ध में दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक सर सुदर्शन चक्र पशुपतन निकाल लिया, लेकिन देवताओं के हस्तक्षेप करने से वे दोनों शांत हुए थे। श्री कृष्ण और शंकर का जीवाणु वध। माना जाता है कि कृष्ण ने असम में नासुर भगवान से युद्ध कर युद्ध के समय महेश्वर जन के विरुद्ध वैष्णव जन का प्रयोग विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। बलि के 10 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाण था। बाण ने घोर तपस्या के शिव से अनेक दुर्लभ वर प्राप्त किए थे। वह सोनीतपुर पर राज करता था। बनासुर को भगवान शिव ने अपना पुत्र माना था, इसलिए उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए श्री कृष्ण का युद्ध किया था। बनासुर अहंकारी, मापापी और अधर्मी था। कहते हैं कि इस युद्ध में श्री कृष्ण ने शिव पर जिम्बराज का प्रयोग किया था। इस युद्ध बानासार की जान बचाने के लिए स्वयं माँ पार्वती जब सामने आकर खड़ी हुई, तब श्री कृष्ण ने बानासुर को अभय दान दिया। युद्ध का कारण, दरअसल बानासुर की सुंदर कन्या उषा को अनिरुद्ध अपना दिल दे बैठे थे। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध था। बानासुर को जब यह पता चला तो अनिरुद्ध और उषा दोनों कारागार